पैसों का नाच जो हमने इस चुनाव में देखा बहुत भारी प्रॉब्लम है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने निर्णय लिए वो भी बड़ी भारी प्रॉब्लम है। जिस तरह से मीडिया ने शासन का साथ दिया वो भी एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है। और जिस तरह से एक ही चेहरा हिंदुस्तान के चाहे वो टेलीविज़न चैनल्स में हो चाहे सोशल मीडिया में हो वो दिख रहा था वो भी हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम लगती है। पहले मैं बात करना करूँगा पैसों की। जितना पैसा इस चुनाव में खर्च हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में किसी चुनाव में खर्च नहीं हुआ। और ये सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट है कि 60,000 करोड़ इस चुनाव में खर्च हुआ और उसमें से लगभग 45% भाजपा ने खर्चा किया। मैं नहीं कह रहा, ये सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट है। इसका मतलब लगभग 27,000 करोड़, लगभग 27,000 करोड़। और 25,000 करोड़ वॉज स्पेंट इन दी पब्लिसिटी कैंपेन। 25,000 करोड़ That's a private agency. It has no this thing. I am not. Yeah. I have said so. Yeah, please. I am saying so. Said so. I didn't say that it's a government agency because. Honorable Chairman, sir. Since I am not yielding. I'm taking the question. I have already told him. Sir, I'm not yielding. I have already told him that will not be part of the debate. Sir. Sir, I have to reply to it, sir. And what he is saying will make headlines without any authority of the report. Mr. Ravishankar Prasad ji, yes. As a chairman, I know that what he has said is not from the official sources. That's it's right. A private. I've said it's so. A private this thing. That's why it. Yeah, that you can reply. No, no. He has said it. I don't know whether it is motivated. Or not, but I am only giving you the source of the data that I am facing before the house. That is one organization. It's not credible. That's right. It's an organization. That has been made clear. It's not official. It's not credible. It is somebody. Somebody exactly. may not believe it. It's not official. It may not be official, but it doesn't mean it's not credible. That is, it all depends on how we look at it. It if it suits credible. Us, then we say credible. In if fact, not suits may, us, it, that's how you people in fact, are taking the data it. May, the expenditure may well be much more than that. Right. So let's be clear. Let's be clear. Go on. And if this continues, it is suggested that in the 2024 election, the expenditure would be 1 trillion rupees. Now, does anybody wants to solve this problem or not? In fact, that very report says that 700 rupees per voter pe kharch hua. Iska matlab har constituency mein 100 parliamentary constituency mein 100 crore rupees kharch hua. Ye paisa aaya kahan se? Ye sawal hame apne aap se puchna hoga. कहां से पैसा आया, कौन लाया? ये जो काले धन की बात होती है, प्रधानमंत्री जी रोज कहते हैं कि काले धन पे एक बड़ा भारी हमें एक वॉर करना चाहिए। तो काले धन इस्तेमाल हो रहा था कि सब सफेद था? और इसके बारे में मैं थोड़ी बाद में आपको चर्चा बताऊंगा कि इसके पीछे था क्या, वो भी आज मैं इस सदन में आपके सामने रखूंगा। लेकिन कुछ और आंकड़े मैं देना चाहता हूं कि मार्च अप्रैल के 2019 दो महीने में जो पॉलिटिकल डोनर्स की डोनेशन आई वो 3,622 करोड़ थी। और ये ऑफिशियल सोर्सेज हैं और इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जो और कैसे आई है ये 3,622 करोड़ की सोर्स क्या है? ब्लैक मनी है इसकी सोर्स, राउंड ट्रिपिंग इसकी सोर्स है, ये किसी को मालूम नहीं। इसकी हमें जाँच करनी चाहिए। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लागू किए गए और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में आप एक डोनेशन 1,000 की दे सकते हो, 10,000 की दे सकते हो, 1,00,000 की दे सकते हो, 10,00,000 की दे सकते हो, 1 करोड़ की दे सकते हो। लेकिन 99.8% जो डोनेशंस आई वो 10,00,000 और 1 करोड़ की थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो वो डोनेशंस आई कहां से। ये तो साफ जाहिर है कि जिन लोगों के पास पैसा है वो ही डोनेशंस दे रहे थे। और किसको दे रहे थे ये भी हमें मालूम है। ये तो पब्लिक फाइलिंग है, ये तो पब्लिक फाइलिंग है, ये तो सभी मालूम है कि किसको डोनेशंस दे रहे थे। 95% डोनेशंस तो भाजपा को मिली।
और इसके पीछे सोच क्या थी वो मैं आज आपके सामने, आपके माध्यम के सदन के सामने और देश के सामने रखना चाहता हूँ। लेट अस गो बैक, पब्लिक फाइलिंग है, पब्लिक फाइलिंग है, लेट अस गो बैक सर। प्लीज इज ऑन इज नेक्स्ट। तो पहले तो इन्होंने, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, पहले तो इन्होंने 2016 में तय किया कि 2019 में पैसा कहां से आएगा। पहली बात तो इन्होंने वो तय की, तो एफसीआरए को अमेंड किया, फिर 2017 में फिर फाइनेंस एक्ट को अमेंड किया, और उस अमेंडमेंट इन्होंने क्या किया कि दो कि इंडियन कंपनीज एक्ट उसकी उसकी उसमें संशोधन लाके इन्होंने ये कहा कि जो 7.5% की जो लिमिट है पिछले 3 सालों की, जो अगर की कोई कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही है तो उसका केवल 7.5% की डोनेशन हो सकती है, वो इन्होंने डोनेशन रद्द कर दी, वो लिमिट रद्द कर दी। अब वो वही कॉरपोरेट सेक्टर कितना भी डोनेशन पार्टी को दो, कोई उसका सवाल पूछ नहीं सकता। ये दूसरा संशोधन इन्होंने किया बड़ी सोच समझ के साथ, क्योंकि इनको मालूम था कि 2019 में इलेक्शन लड़ना है और पैसा कहां से आएगा। 2017 में इन्होंने एक और संशोधन किया, वो संशोधन किया कि कोई प्राइवेट फर्म, कोई प्राइवेट फर्म, वेदर इनकॉर्पोरेटेड नॉट इनकॉर्पोरेटेड, एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड नॉट इनकॉर्पोरेटेड, दैट वॉज एंटाइटल्ड, दैट नीड नॉट रिफ्लेक्ट द डोनेशन इन इट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। What donation it has given need not be reflected in the profit and loss account. It can just be put under a head of expenditure. तो जो private party भी है, association, incorporated, unincorporated, private firms, partnerships could donate any amount of money and don't reflect it in their books of account. तो ये संशोधन जब इन्होंने किए तो naturally जो रोज इनसे काम करवाते थे उन्होंने donation तो देना ही था। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें रखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना चाहता हूं आपके आपके सामने और सदन सदस्यों के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइट वन सेक्शन 137 ऑफ द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017, इट इज एविडेंट दैट एनी डोनेशन रिसीव्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी थ्रू एन इलेक्टोरल बॉन्ड हैज बीन टेकन आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ रिपोर्टिंग अंडर द कॉन्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट as prescribed in under 29C of the Representation of People's Act. Aapko malum hai that under 29C, any donation above 20,000 rupees has to be reported to the Election Commission and the source has to be reported. Wo bhi inhone radd kar di. Taaki Election Commission ko bhi nahi pata chale ke paisa kahan se aaya. Phir ye baat karte hain, hum kaale dhan khatam karna chahte hain. Then the Supreme Court also noted, one second, haan, sara hi safeta, mujhe dikhta hai, mujhe aapke saamne jo main dekh raha hoon, mujhe sab safeta dikhta hai. The minister is capable of responding, don't worry. It cannot be ascertained, it cannot be ascertained whether the political party has taken any donation in violation of the provisions of section 29B of the Representation of People's Act, which prohibits the political parties from taking donations from government companies and foreign sources. Ye bhi pata nahi lag sakta aapko ki foreign source se paisa aaya ki sarkari company se paisa aaya. Aisa aapne sanshodhan kiya finance act ke dwara kyunki aapko malum tha कि भाई पैसे की जरूरत होगी, हर वोटर के पास पैसा पहुंचाना होगा, कैसे पहुंचाएंगे, वो तो तभी पहुंचाएंगे ना जब आपके पास वो साधन होंगे, और साधन कौन देगा, वो बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर जिनको रोज के रोज पोर्ट्स मिलते हैं, एयरपोर्ट्स, जिनको रोज के रोज गैस एजेंसीज, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज मिलती हैं, जो आजकल एयरपोर्ट खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना, वही सब लोग तो डोनेशन देंगे, और देगा कौन, किसके पास करोड़ों रुपया, उन्हीं के पास तो करोड़ों रुपया है। फिर सर इन्होंने जैसे मैंने कहा सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट कमेंट कर दिया एंड द लिमिट, मैंने किसी का नाम नहीं लिया मिस्टर कपिल सिब्बल इज अपीयरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट टू डिफेंड द कांग्रेस पार्टी, कैन ही आर्ग्यू आई एम नॉट अपीयर इन दिस केस, नो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अथॉरिटी, मिस्टर कपिल सिब्बल आई एम देयर, यू आर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस मैटर ऑन बिहाफ द कांग्रेस पार्टी, शुड ही मेक दिस कमेंट हियर इन द क्वेश्चन, आई लीव इट टू यू इज रेज्ड अ पॉइंट, इफ यू वांट टू रिस्पोंड ऑन दैट, यू वांट टू रिस्पोंड ऑन दैट, सर बैठ जाए, सर,
sir. He is raising an issue of expression of interest. The minister must be a little more careful before intervention, because I am referring to writ petition 880 of 2017, writ petition 59 of 2018, and writ petition 434 of 2018. I have not appeared in any of these cases. You don't want debate. You don't want debate. You don't want debate. Nothing will go on record. Nothing shall go on record, either electronic or printed. Continue. Appeal losing time. Continue. Sir, allow me. Party, sir, in these matters are not to defend the party's stand. If he says no, I will apologize. Let him say so. Please. He's asking, he's capable. He's capable. In between, why should we get into involved? Then, sir, the other thing that I wish to say is that apart from all this Facebook, social media and other things, the BJP's officially spent about 1.32 crores on Facebook, but the BJP's unofficial Facebook pages, namely Bharat Ke Man Ki Baat, Nation with Namo, My First Vote for Modi, cumulatively about 4.5 crores was spent. And this organization, the organization that was behind Facebook, was the Association of a Billion Minds. Association of a Billion Minds. And Huffington Post revealed that this shadowy firm was actually created only to support the BJP. Now, sir, and then, of course, as you know, that's only Huffington Post has reported. I'm not saying. Now, sir, now you know about Namo TV. You know about the continuous footage of Namo TV. You know that a movie was made. And you know how... And BJP was the top spender on Google, 18.3 crores. Now, sir, what's the role of the media? That's something that we have to be worried about. And I just want to make a statement on that, that both the BJP and our Prime Minister enjoyed complete media hegemony during the course of this election. If you want a free and fair poll, media hegemony. If you want a free and fair poll, it can't happen like this. Every street, circle, road, petrol station, highway, social media sites, newspapers were flooded with the PM's pictures and his election slogans. The first PM in 70 years, who knows where the camera is? He has two eyes, but he knows that the camera is only one. And that one eye will only show what it wants to show. If the media exercised self-censorship and co-option, it would have a free ride, nobody would interfere. From Aadhaar to EVMs, from Doklam to Pulwama, from with Rafael in between, the biggest scandals lay buried. From LPG to GDP, from missing planes to missing jobs data, the grandest claims were unexamined. The fake, the frivolous, and the frothy. Anthem, flag, beef, love jihad, JNU, urban luxon, Azan got more air time. This is the problem. I am only, sir, don't get worried. These are problems. Got more time than the protests of farmers and the protest of workers. Agenda setting in studios. Warriors flayed minority ghosts each night. Hindus in danger. Illegal immigrants fostered a siege mentality. Ministers are interrupting. Please, Kapilji, keep your time in mind. Your sir, three speakers. I will sit down whenever you ask me, sir. I am not one of those. No. I just. Your party has been given 30 minutes time. Yes, there are three speakers. Doesn't worry about that. Please sir, keep that in mind. And what more, we are discussing reforms. What happened is one side. You have to understand how you move forward unless you know what happened. So, all this is within the time, no? 2019 campaign was powered by an indefatigable media machine fueled by fake news and WhatsApp. The relationship between the media and the practice of politics has been transformed. Desh badal chuka hai. Badal nahi raha. Samvidhan badal chuka hai. Samvidhan badal chuka hai.
संविधान की नींव में दरार आ रही है, इस बात को आप समझो, इस बात को आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि आप चुनाव जीतो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप चुनाव जीत गए और संविधान संविधान की को सामने रखते हुए आप चुनाव जीते। आपने संविधान का दी धजियां उड़ाई। सर, दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन प्लीज प्लीज बैठ के कमेंट नहीं करना, दिस नॉट फेयर। सर, द इलेक्शन कमीशन एज आई सेड इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड आई टेल यू व्हाई इट्स, आई एम नॉट एट्रीब्यूटिंग एनी मोटिव्स, व्हाई इज इट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। द इलेक्शन कमीशन ऑन द 4th ऑफ डिसंबर 2013 and on the 9th of March 2019 issued this advisory, and I'll just read it. It says, the Ministry of Defence has brought to the notice of the Commission, Ministry of Defence, that the photographs of defence personnel are being used by political parties, their leaders and candidates in advertisements as part of their election propaganda, and requested the Commission to issue suitable instructions in this regard. Then they say the Commission accordingly calls upon all political parties to advise their candidates' leaders to desist from displaying photographs of defence personnel or photographs of functions involving defence personnel in advertisements or otherwise as part of their election propaganda. This is an advisory that is issued by the Election Commission at the instance of the Defence Ministry. Right? And see what happened in the election? Now, sir, now come to the EVM. Sir, our objection to the EVM. Our objection to the EVM is... You are taking full time of yours. Yes, afterwards, yes, others will not get. Our objection to the EVM is principled. Our objection to the EVM... No. Then everybody will take that plea. No. If you disturb us... Please. Let me. Time must be deducted from our party. Sir, aisa hai... No, deducted from that time. From our party. Ke hum is mode pe khade hain. Ke jo agar... हमारी वो संस्थाएं जिन्होंने संविधान की रक्षा करनी थी वो रक्षा करने मंत्री है, नया नया मंत्री है, वो अगर रक्षा करनी बंद कर दें, क्योंकि आपको मालूम है कि अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल for preparing the electoral roll and the conduct of the elections is with the election commission. इस दौरान में जब notification issue होती है और परिणाम आते हैं, इस बीच में election commission is the master. अब अगर वही संस्था जो कदम उठाना चाहे उसमें अगर विलंब हो जाए तो उसमें फिर संविधान का नुकसान होगा। और बाकी भी ऐसी संस्थाएं हैं जहां जब हमें लगता है कि संस्थाओं को कुछ इंटरफेयर करना चाहिए, कुछ डायरेक्शन देना चाहिए, अगर वो नहीं दे तो संविधान का नुकसान होगा, हम लोगों का नुकसान होगा। इस बात को हमें सोचना चाहिए। देखिए, इसमें कोई हमें आरोप की बात नहीं है, केवल सोचना चाहिए कि अगर हम अपने संविधान की रक्षा नहीं करेंगे और जो सोच संस्थान है वो नहीं करेंगे तो संविधान जाएगा कहां, आगे बढ़ेगा कैसे? Now, on the EVMs, all that we want to say is that the voting machine has become a counting machine. That's the heart of the matter. जब आप EVM पे जाते हो और वोट करते हो, आपको ये तो दिखता है कि हमने वोट इस पार्टी को किया, इस कैंडिडेट को किया। उसके बाद हमें नहीं मालूम कि वो जो वोट हमने उस पार्टी और कैंडिडेट को किया या उसके पक्ष में काउंट हुआ या नहीं। ये तो मशीन काउंट करती है ना। ये प्लीज प्लीज, अरे समझ लीजिए पहले, बिना समझे तो कोई चर्चा नहीं। मिनिस्टर विल रेस्पॉन्ड, प्लीज। आप लोग अननेसेसरी ये कर रहे, चिंता मत करो, यू हैव अ कैपेबल मिनिस्टर, ही विल रेस्पॉन्ड। और भी आपका पार्टी का भी है वक्ता और बाकी पार्टियों का भी, सबको मौका मिलना चाहिए। और देयर आर कई देश, विश्व में कई ऐसे देश है जो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते, कोई वजह होगी। यूनाइटेड स्टेट्स नहीं करता, यूरोपियन कंट्रीज नहीं करते, जर्मनी में तो इट्स हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और क्यों? द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, अरे क्या तुम इंटरफेयर कर रहे हो, प्लीज प्लीज। द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये बीमारी सर्वव्यापी है, क्या करूं मैं। The German Constitutional Court in 2009 declared voting through electronic voting machines unconstitutional and unlawful. This they did by insisting that the process of voting should be such
has to be easily understood, verifiable and controllable even by the most ordinary voter. Right, Kapilji, please. That's the question. I have to call the next man. No, no, one second. So allow me to. 5 minutes. It pains me even to tell you also. नहीं अगर आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा. नहीं, please conclude. 5 मिनट की बात है. 5 मिनट तो आपका पार्टी का समय पूरा हो जाएगा. हाँ तो कोई बात नहीं. 5 मिनट की बात है. तो कहने का मतलब ये है कि हमें नहीं, किसी को मालूम नहीं कि सोर्स कोड क्या है, किसी को मालूम नहीं कि प्रोग्राम क्या इसमें लोड होता है. जब मैं आपको बताऊं, बैलेट पेपर बनता है तो वो तो चुनाव के तुरंत 2-4 दिन पहले ही बनता है ना. तो बैलेट पेपर का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बनता है, एक इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जाता है और वो बैलेट पेपर यूनिट में डालता है, और जब वो बैलेट पेपर यूनिट में डालता है तो उसकी कनेक्टिविटी वीवीपैट पे करता है. वो इलेक्शन कमीशन नहीं करती, वो ईसीएल का इंजीनियर होता है या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर होता है, और जब वो वहां जाता है वो कनेक्टिविटी वो आउटसोर्स होता है. और आउटसोर्स होता है, वहां क्या होता है क्या नहीं होता ना इलेक्शन कमीशन को मालूम, ना हमें मालूम, ना आपको मालूम, ना किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम. फिर ठीक है ना. प्लीज भाई, मतलब होने दीजिए, बाद में बाकी लोगों को भी मौका मिलना है. हुआ क्या कि 2018 में नवंबर 2018 में एक मंत्री साहब मुंबई गए और वहां एक इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड का फंक्शन था. वहां उनको एक सवाल पूछा गया कि लगता ऐसा है कि सरकार बैकफुट पे है, 2018 की बात कर रहा हूं. तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि 2013 अगस्त सितंबर में हमने एक सर्वे किया था 2,03,000 लोगों का, और सर्वे से यह निकला कि 2014 की इलेक्शन में हमें पूर्ण बहुमत मिलेगी. मतलब कि उनको पहले ही 8 महीने पहले पता चल गया था. उन्होंने ये बोला, फिर उन्होंने ये बोला, YouTube पे आप देख लीजिए, उन्होंने फिर ये बोला कि 2018 में भी हमने ऐसा ही सर्वे किया. प्राइवेट कन्वर्सेशन को जहां दिस इज नॉट अ कन्वर्सेशन, इट इज प्लीज लेट मी प्लेस इट टू ऑथेंटिकेट इट. यू नो, वन सेकंड, आई एम नॉट मेकिंग एन एलिगेशन, आई एम नॉट मेकिंग सर, आई जस्ट वांट टू, आई एम स्टेटिंग. ही सेड कि हमने सर्वे किया है, आप ही के मंत्री हैं, हमने सर्वे किया है. मैं आज आपको कह सकता हूं कि 2019 में हमें 297 से 303 सीट मिलेगी. वो तो क्या है, अपना अंदाजा है, बहुत लोगों ने अपना अंदाजा किया. क्यों, बड़ी अच्छी बात है, मैं कहता हूं बड़ी अच्छी. अब यार हमें भी गुड़ बता दो कि 6-8 महीने पहले हमें भी पता चल जाएगा कि कितनी सीट मिलेगी. हमें भी गुड़ बता दो प्लीज. वो हमें भी कनेक्टिविटी दिला दो. I have to then name the people. It's not good. Please understand. Sir, बस मैं एक अपनी थोड़ी सी पंक्तियां लिखी हैं, मैं करके कंक्लूड करता हूं. लम्हों की नजाकत को जो भी पहचान पाएगा, और इस नजाकत के मोड़ पे हम खड़े हैं, लम्हों की नजाकत को जो भी पहचान पाएगा वो ही हर चेहरे पे मुस्कान लाएगा. तेरी सियासत में जो तूने लकीर खींची है, वक्त उसकी तस्वीर तुझको खुद ही दिखाएगा. धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कपिल जी, थैंक यू वेरी मच.